हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ में मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से। हम इसे चूल्हे में बनाएंगे। तो अगर रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में मेरे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटन बिरयानी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, 30 ग्राम यहाँ पे मैंने लहसुन लिए हैं, 30 ग्राम अदरक है और एक प्याज है, और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले दिख रहे हैं आपको। आपको स्क्रीन में सारी क्वांटिटी और उनके नाम दिखाई दे रहे होंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिए। तो इन सभी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने जार ले ली हूँ और सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दी है। प्याज को भी मैंने इसमें कट करके डाल दी है, और जो खड़े गरम मसाले हैं हमारे पास वो भी हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने चिकना पेस्ट बना के इसका तैयार कर ली हूँ, और अब इसे मैं साइड रख लेती हूँ। और जो सब चीज़ें अब इसमें इस्तेमाल होने वाली है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, और आपको सारी इन चीज़ों के नाम भी दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारी चीज़ों की लिस्ट जो है मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग उसे चेक ज़रूर कीजिए। थोड़े से आइडिया के लिए मैं आपको बता देती हूँ, 1 kg यहाँ पे मैंने मटन लिए हैं, 4 बड़े साइज़ की प्याज है, और 1 kg चावल है जिसे मैंने वॉश करने के बाद में भिगा के रख दी हूँ। तो यहाँ देखिए चूल्हे पे मैंने हांडी को पहले से रख दी है गर्म होने के लिए। 300 ml यहाँ पे मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, मतलब कि 1.5 कप होंगी ये तेल। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैंने इसमें तेज़पत्ता डाल दी हूँ, और साथ में जो प्याज है हमारी, हम प्याज को भी इसमें डाल के प्याज को गोल्डन ब्राउन हो जाने तक के लिए फ्राई करेंगे। तो प्याज जब तक हमारी फ्राई हो रही है थोड़ी सी आज चिटचिट कर लेते हैं। क्वारंटाइन चल रहे हैं, घर से निकलना है मुश्किल, और चीज़ें भी जो है वो लिमिटेड है सबके पास में। तो घर में जेंट्स भी है, बच्चे भी है, तो उन सब की हेल्प लीजिए, घर पे चूल्हा बनाइए। अगर आपके पास में छत है तो छत पे बनाइए, और इस तरीके से बिरयानी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि चूल्हे की बिरयानी का मज़ा कुछ और ही होता है। गैस में तो हम अक्सर ही बनाते हैं, लेकिन इस टाइप की बिरयानी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपकी चूल्हे वाली बिरयानी कैसी बनी, और हाँ मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए देखते ही देखते यहाँ पे जो हमारी प्याज है वो फ्राई हो चुकी है, गोल्डन हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मटन, 1 kg मटन है ये, अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ, और मटन डालने के बाद में इसे अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक के लिए मैं इसे इसी तरीके से फ्राई करती जाऊँगी, और साथ पे मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ, जो कि मैं डालने वाली हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक। वैसे यहाँ पे मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप जितना नमक खाते हो उतना डाल दीजिए। फिर से मैं सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, और मटन को हम इसी तरीके से अभी फ्राई होने देंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। जब मटन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी कि मैंने प्याज लहसुन अदरक और कुछ खड़े गरम मसाले लिए थे, सबको मैंने ग्राइंड करके पहले से रख ली थी। तो यहाँ देखिए वो अब मैं ऐड कर देती हूँ, और फिर से एक बार सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसी तरीके से इसे भूनते रहेंगे। जब भी हम चूल्हे में कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें उसका खास ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो नीचे से लग ना जाए, क्योंकि गैस में हम गैस की फ्लेम को एडजस्ट कर सकते हैं, मीडियम या हाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे चूल्हा है इसलिए आपको इसे थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहना है और चेक करते रहना है कि कोई भी चीज़ लग ना जाए। तो लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में 2 से 3 मिनट तक के लिए मैंने इसे ढक के पका ली हूँ। फिर से एक बार मैं इसे खोल के चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि लौ में बहुत जल्दी जो भी आप पका रहे होते हैं वो लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चम्मच चला दी हूँ, और ये देखिए यहाँ पे मैं 300 ग्राम इसमें दही डाल रही हूँ। दही क्योंकि ज़्यादा खट्टा नहीं था मेरा, इसलिए मैंने इसमें 300 ग्राम डाली हूँ। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो आप 200 ग्राम या 250 ग्राम डाल सकते हैं। अब दही डालने के बाद में अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ, और ढक करके पकने के लिए फिर से छोड़ दी हूँ मैंने 5 मिनट तक के लिए, अभी पकाऊंगी। तो यहाँ देखिए जो दही में उबाल आना शुरू हो गया है और जो दही का पानी है वो भी निकल रहा है, तो अभी लगने का चांसेस इतना ज़्यादा है नहीं चूल्हे में। फिर एक बार फिर भी हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे बीच बीच में, और साथ में मैं इसमें हरी मिर्ची भी काट करके डाल दे रही हूँ, और ये है धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे,
और फिर से मिक्स करने के बाद में हम इसमें लीड लगा देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 5 मिनट तक के लिए। लेकिन हर 5 मिनट में आप बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहिए, वरना नीचे से ये लग सकते हैं। तो देखिए 5 मिनट के बाद में फिर से मैं इसकी लीड खोल के फिर से एक बार इसमें चम्मच चला रही हूँ। अब जो आपको फ्लेम दिखाई दे रहा होगा वो बाहर निकल के आ रहा है, इसलिए हर 2 मिनट में मैं अभी इसमें चम्मच चलाने वाली हूँ। और साथ में इसमें धनिया की पत्ती और पुदीना की पत्ती भी मुट्ठी भर ऐड कर दे रही हूँ मैं चॉप करके, और फिर से इसे मिक्स कर देती हूँ। और अब यहाँ पे देखिए जो पानी है इसका वो सूखने लगा है, तो नीचे से लग सकता है, इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि नीचे से लगेगा नहीं, क्योंकि मटन अभी गला नहीं है तो हमें मटन के गलाने तक के लिए इसी तरीके से इसे कुक करना है। तो अगर आपकी ग्रेवी में पानी कम हो जाता है तो आप उसमें आधा गिलास पानी डाल के फिर से उसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ लीड लगा के मैं इसे फिर से पका रही हूँ और एक बार हम इसे फिर चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए मुझे आधा घंटा हो चुका है मटन को गलाते गलाते, लौ जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ रही थी इसलिए मैंने कैमरा को थोड़ा सा दूर कर ली थी, और एक बार फिर मैं इसे चेक कर लेती हूँ। अब देखिए जो हमारा मटन है वो पूरा गल चुका है और सारे मसाले अच्छे से एक बार भुना जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप हाथ देख रहे हैं ये मेरे हबी का है जो कि मेरी हेल्प करा रहे थे, क्योंकि घर में अभी जेंट्स है तो आप लोग भी हेल्प ज़रूर लीजिए। और यहाँ पे देखिए जो मटन है पूरी तरीके से गल चुका है, और ये हमारी जो मटन की जो ग्रेवी है वो पक के तैयार हो गई है। यहाँ पे हम एक मटन का पीस निकाल के चेक करेंगे कि वो अच्छे से गला है कि नहीं गला है। 95% हमें मटन को गलाना है, बाकी जो 5% है मटन वो दम में गल जाएंगे। तो अब देखिए जो मटन है वो पूरी तरीके से गल चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा जो तेल है वो पूरा ऊपर आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं गंज को उतार के नीचे एक साइड में रख दूँगी। मटन की हांडी उतारने के बाद में मैं इसमें बड़ी हांडी एक रखूँगी जिसमें मैं चावल का 3 गुना पानी चढ़ाने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 1 kg राइस लेने वाली हूँ तो 3 लीटर यहाँ पे मैं पानी लूँगी और उसमें चावल को बॉईल करूँगी 85%, और साथ में उसमें कुछ खड़े गर्म मसाले और नींबू का रस और नमक भी डाल के चावल को बॉईल करेंगे। चावल जैसे ही 85% बॉईल हो जाएगा तो हम उसे छान के एक साइड में रख देंगे। तो जब तक पानी बॉईल हो रहा है यहाँ पे, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि मैम आपने अपनी रेसिपी में नमक डालना भूल गए या आपने ये चीज़ नहीं डाली। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग रेसिपी जो है स्किप करके देखते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें जो है स्किप हो जाती है जो कि आप देख नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोग मुझे इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग रेसिपी को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ मैं कितनी क्वान्टिटी में और क्या डाल रही हूँ। और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग रेसिपी देख लेते हैं लेकिन लाइक करना हमेशा भूल जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग से ये कहती हूँ। तो अब देखिए पानी में बॉईल आने लग गए थे, तो इसमें हम अब चावल डाल देते हैं और चावल को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा एहतियात से बनाइए, क्योंकि चूल्हा है तो बहुत सारी चीज़ों का डर होता है। बच्चों को पास मत आने दीजिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो, और अगर आप लोग इस चीज़ के यूज्ड टू नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मत बनाइए, गैस में ही आप लोग बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे हबी मेरी हेल्प करा रहे थे इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है तो फिर से एक बार कहूँगी लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी दीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है ताकि वो चीज़ मैं अपनी सुधार सकूं। तो देखिए अब जो चावल है वो 85% बॉईल हो गए हैं, तो हम इसे छान लेते हैं। और छानने के बाद में चावल को हम पूरा पानी निकल जाने तक के लिए साइड में रखेंगे, और जो अभी हमने मटन की ग्रेवी बना के अभी तैयार की है हम सबसे नीचे मटन की ग्रेवी इसी हांडी में चढ़ा देंगे। तो यहाँ देखिए थोड़े से पहले हमने चावल नीचे बिछा दिए हैं, उसके ऊपर हम मटन डाल देते हैं, और मटन डालने के बाद में जो चावल हमने बॉईल किए हैं वो भी हम डाल देंगे। मटन की जो ग्रेवी है हांडी में सब तरफ अच्छे से फैला देंगे ताकि पूरा इक्वल हो जाए ये, और जो उबले हुए चावल हैं हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इस टाइम पे आप चाहे तो नमक भी एक बार टेस्ट कर सकते हैं, अगर नमक कम लगे तो नमक भी आप इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम इसके ऊपर चावल डाल देते हैं, और चावल को भी सब तरफ अच्छी तरीके से फैला लेते हैं।
चावल को अच्छी तरीके से फैला देने के बाद में मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऊपर से छिड़क दे रही हूँ अच्छी खुशबू के लिए, और साथ में मैं इसमें फूड कलर भी डालूँगी। आपका जो भी फेवरेट फूड कलर हो आप उसमें डाल सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर इसमें डाले हैं, और साथ में इसमें तली हुई प्याज है, ये मैंने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी वो मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ, और धनिया की पत्ती है, पुदीना की पत्ती है, आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी ऊपर से भी हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और अब हम बिरयानी को दम में रखेंगे कम से कम 20 मिनट तक के लिए, बिल्कुल धीमी कर देंगे जो फ्लेम है चूल्हे का, जितनी भी लकड़ियां हैं आप साइड में हटा दीजिए, और बिल्कुल मध्य सी आंच रहेगी और उसमें जो है हमारी बिरयानी जो है दम में आएगी। हमने नीचे तवा भी रखे हैं ताकि नीचे से हमारी बिरयानी लग ना जाए, और 20 मिनट तक के लिए हम इसे दम में रखेंगे। साथ में ऊपर कुछ हैवी भी रख देंगे ताकि जो इसके अंदर गैस रहेगी वो निकल ना जाए। तो यहाँ देखिए 20 मिनट तक के लिए अब इसे हम दम में रख के छोड़ देते हैं। तो चलिए 20 मिनट अब हो चुके हैं, तो अब हम अपनी बिरयानी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने खोले तो भाप निकल के आई है, तो हमारी जो बिरयानी है वो गर्मा गर्म बन के तैयार हो गई है। एक बार हम इसमें चम्मच चला के आपको दिखा देते हैं। चावल भी देखिए बिल्कुल खिले खिले बने हैं, ना ये टूटे हैं ना ये चिपके हैं, बिल्कुल परफेक्ट है हमारी बिरयानी चूल्हे में। ये देखिए आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा रहे हैं हम। सो नाज़रीन, आई होप आप लोगों को मेरी ये बिरयानी की रेसिपी थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, और बहुत मेहनत की है इस बिरयानी को बनाने में, साथ में एडिट करने में भी मुझे इसे मेहनत लगी है। तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो में मेरे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और नाज़रीन अपना और अपने घर के हर फैमिली मेम्बर्स का बहुत सारा ख्याल रखिए, साथ में मुझे भी ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।